गाइस अभी अभी हमने हिरन स्पॉट किया है। गाइज वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ सामे सफारी। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम आए हुए हैं मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में। संजय गांधी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है गाइज बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं लाइक कान्हेरी केव्स, कैट ओरिएंटेशन म्यूजियम, बोटिंग कर सकते हो आप यहाँ पर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज लाइक लायन एंड टाइगर सफारी भी है। तो हम सारा कुछ एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। चलो चलते हैं अंदर। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के बोरीवली में सिचुएटेड है। यहाँ आने के लिए आपको लोकल ट्रेन से बोरीवली स्टेशन आना है एंड देन बोरीवली ईस्ट से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क वीक में सारे दिन ओपन रहता है एक्सेप्ट ऑन मंडेज और यहाँ की टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। मैंने टिकट प्राइसेस भी दिखाए हैं यहाँ पर, आप पॉज करके देख सकते हो फ्रेंड्स। तो गाइस टिकट हमने ले ली है एंड हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पे एंट्री के पास ही आपको सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आपको बोटिंग के लिए किधर जाना है, साइकिल आप कहाँ से ले सकते हो एंड दिस इज़ द टूरिस्ट मैप जो कि फ़िलहाल थोड़े ख़राब कंडीशन में है बट आपको एक जस्ट मिल जाएगा कि कहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। ओके इधर काफ़ी बेटर है, ये वाला मैप ज़्यादा सही है। ओके गाइस तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे एंट्री के पास ही चेकिंग होती है आपके टिकट की जो आपने ली होगी एंड साथ में आपका बैग भी चेक करते हैं कि आपके बैग में कुछ अगर प्लास्टिक वगैरह है तो उसको चेक करते हैं कि आप उसको इधर उधर थ्रो ना कर दो। अगर आप थ्रो करके वापस आते हो तो आपकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है 100 रुपीज़ की, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। बट अगर आप सारे कचड़े को साथ में लेकर आते हो प्लास्टिक एंड ऑल तो आपको 100 रुपीज़ वापस भी मिल जाती है। गाइस यहाँ पर साइकिल भी मिलती है, आप हायर कर सकते हो आवरली बेसिस पे, 80 रुपीज़ लगता है 2 आवर्स के लिए। हम लोग इधर इस तरफ से आए थे, यहाँ से ये वाला रोड लेकर आपको सीधा यहाँ पर साइकिल्स मिल जाएंगी और फिर आप आगे इस तरफ निकल सकते हो। गाइस इस रोड पर मैं आगे आई हूँ तो यहाँ पर देखो अब भीड़ लगी हुई है। इधर बस मिलती है आपको कान्हेरी केव्स जाने के लिए, तो अभी सबसे पहले हम लोग वहीं चलेंगे। तो हमने 188 नंबर की बस ले ली है कान्हेरी केव जाने के लिए। बस 10 रुपीज़ पर पर्सन में आप कान्हेरी केव्स पहुंच जाओगे। सो मीनवाइल मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगी अबाउट दिस नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर किलोमीटर में। इंडिपेंडेंस से पहले इसका नाम कृष्णगिरी नेशनल पार्क हुआ करता था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बोरीवली नेशनल पार्क हुआ, देन फाइनली इसका नाम बदल के संजय गांधी नेशनल पार्क रखा गया। इतने बड़े एरिया में बहुत ही रिच फ्लोरा एंड फौना है जिसमें से डियर और मंकी तो आपको बहुत बार दिख जाएंगे। इस पार्क में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट भी हैं जहाँ जाना पॉसिबल भी नहीं है। वैसे तो इस पार्क में बहुत सी एक्टिविटीज़ करने को है बट सबसे फेमस स्पॉट है कान्हेरी केव्स जिधर हम अभी चल पड़े हैं। गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो और आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अब जब हम कान्हेरी केव्स जा ही रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते चलती हूँ। कान्हेरी केव्स में टोटल 109 केव्स हैं ऑल टुगेदर जिनको ये नाम दिया गया है। कान्हेरी केव्स का नाम कृष्णगिरी से ही आया है विच मीन्स ब्लैक माउंटेन्स। ये केव्स अप्रॉक्सीमेटली 2000 ईयर्स ओल्ड हैं, आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 1st century and 11th century के बीच ये बना था। ये बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क्स का लर्निंग सेंटर था, इसलिए आपको यहाँ पत्थर से बने स्तूप और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर एंड फैसिनेटिंग। तो गाइस अभी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के ट्रैवल के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं कान्हेरी केव्स के एंट्रेंस के पास। एंड गाइस देखो यहाँ इतनी धूप है इसलिए यहाँ पे जगह जगह स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए आपको फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स और जूस अवेलेबल है। मैंने लिए हैं गाइस वाटरमेलन, मेरी बहन ने भी वाटरमेलन लिए हैं, यहाँ पे 20 रुपीज़ का एक ग्लास ऐसा मिल रहा है एंड इट्स गुड।
गाइस, स्टेयर्स क्रॉस करने के बाद केव्स का टिकट काउंटर आता है। यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपीस पर पर्सन है। तो जब हम टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ केव्स के बारे में ओवरव्यू दिए गए हैं बोर्ड्स पर, और मैप भी अवेलेबल है जिसकी हेल्प ले सकते हो आप केव्स को एक्सप्लोर करने में। तो गाइस, यहाँ पे केव्स के पास ना, मतलब मैं अभी पहुँची नहीं हूँ, बट ये स्टेयर्स हैं एंड यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर बिलोंगिंग्स। मैंने अभी देखा कि एक बंदर ने किसी का पर्स उठा लिया एंड वो भाग गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू विजिट दिस प्लेस। गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ पहले केव के पास, तो चलो अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं इसको। लेट्स गो। तो गाइज़, आपको हर केव के सामने कुछ ऐसे इन्फो दिए रहेंगे ताकि आप उसको पढ़ करके केव्स के बारे में जान सको, और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आर्कियोलॉजिकल यू नो स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज केव्स अगर आप उसको पढ़ते हो। तो ऐसे करके हर गुफा के आगे इस तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं। गाइज, हमने अभी तक 4 केव्स देखे हैं एंड अब हम थोड़ी हाइट पर आ गए हैं, और आप देखो यहाँ से व्यू कितनी अच्छी है। यहाँ से वो रोड दिख रहा है जहाँ से हम आए थे कानेरी केव्स की तरफ, एंड यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है ना गाइज, देखो इतना सुंदर व्यू, इतनी सारी ग्रीनरी, इतने पेड़ पौधे मुंबई के अंदर, यू कैन बिलीव दिस। गाइस, कानेरी केव्स का हो गया है अब बहुत टायर्ड हो गए और भूख भी बहुत लगी है ज़ोर की, तो अब हम वापस चलेंगे। टोटल यहाँ पर 110 केव्स थे जिसमें कि मैक्सिमम हम लोगों ने घूम लिया, बट यहाँ पर एक 100 मतलब जो 100 के बाद वाले केव्स है ना वो बहुत दूर पर है, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग अब वापस चल रहे हैं और पार्क का बाकी सारा जो एक्टिविटीज़ का एरिया है वो सब अब एक्सप्लोर करेंगे। तो हम निकल चुके हैं अब केव से, हमने सेम बस ली है वापस जाने के लिए, तो अब मिलते हैं सीधा मेन पार्क के अंदर। तो गाइज, यहाँ पार्क की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको वाटर आउटलेट्स मिल जाएंगे और एकदम ठंडा ठंडा पानी मिलता है। गाइज, इतनी गर्मी है अभी, ये मई का महीना चल रहा है एंड बहुत गर्मी है, तो हमें चाहिए कि बारी बारी मतलब पानी अगर ख़त्म हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास मतलब कुछ सोर्स तो ज़रूर है पानी के लिए, एंड यहाँ पर इतना ठंडा पानी मिल रहा है ना गाइज, इसको पी के मतलब मज़ा ही आ जा रहा है। गाइस, बैड न्यूज़ है, गर्मी के कारण यहाँ पर पानी जो है ना लेक में वो कम हो गया है, एंड सो इन लोगों ने बोटिंग अभी क्लोज़ करके रखी है, तो हम बोटिंग नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गर्मी में आओ ही मत इधर संजय गांधी नेशनल पार्क, अगर आपको आना ही है तो आप विंटर में आओ या मानसून में आओ, वेदर अच्छा रहता है एंड पानी भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। बट अभी हम लोग कानेरी केव्स भी गए थे, तो वहाँ पर भी जो ब्रिज है जिसके नीचे से पानी जाता है वो भी सूख चुका था, तो बहुत कुछ है जो आप मिस कर जाओगे, इसलिए ट्राई कम इन मानसून और विंटर। और इसलिए अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट रिक्रिएशनल पॉइंट पर, जो कि है कैट ओरिएंटेशन म्यूजियम, और इसलिए हम अभी यहाँ पर इस टोटो में बैठे हैं, तो अभी उधर चलते हैं।
गाइस यहाँ पे जगह जगह पर काफ़ी पार्क्स भी हैं एंड आपको दिखा दूँ यहाँ जगह जगह पर ऐसे बोर्ड्स भी लग रहते हैं जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपको किधर जाना है, अलग अलग अट्रैक्शन पॉइंट्स जाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है एंड टूरिस्ट मैप्स भी लगे हुए होते हैं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, यहाँ का यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। तो गाइस हमने सोचा था कि लायन एंड टाइगर सफारी भी करेंगे, बट इधर आके मालूम चला कि आप बस से जाओगे, बस से ही टाइगर और लायन को देखोगे एंड देन वापस आ जाओगे। 10 मिनट से ज़्यादा आपका हॉल भी नहीं है, ऊपर से दोनों ही एनिमल्स को पिंजरे जैसे एरिया में रखा गया है, तो वो फील ही नहीं आती कि आप नेशनल पार्क में देख रहे हो उनको, जू वाली फीलिंग ही है। ऊपर से यहाँ जो टॉय ट्रेन है वो भी बंद है लॉकडाउन से ही, तो ये मुझे बुरा लगा कि मैं टॉय ट्रेन में भी नहीं बैठ पाई। तो गाइस यहाँ की एक और स्पेशलिटी है, यहाँ पे एक स्पेशल फ्लावर उगता है हर 8 साल में जिसका नाम है कार्वी। यहाँ पर मैप में आपको दिखेगा, ये यहाँ पर जो फूल दिख रहा है ना, इसका मतलब है ऑर्किडेरियम, ठीक है। ये ठीक वो कैट ओरिएंटेशन सेंटर के ठीक बगल में है और यहीं पर 8 साल में एक बार वो फूल उगता है। लास्ट टाइम वो उगा था 2016 में और अब एक्सपेक्टेशंस है कि वो 2024 में उगेगा, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर। गाइस अभी हमने हिरन स्पॉट किया है रोड क्रॉस करते हुए और उसके पीछे पीछे एक और ट्रेल करते हुए आ रहा है पटरी के पास से, मैं आपको दिखलाती हूँ। और एक और दौड़ के जा रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है देख के सामने से। गाइस तो अब शाम हो चुकी है एंड पार्क के बंद होने का टाइम भी हो चुका है। आज हमने काफ़ी इन्जॉय किया एंड आई होप आप लोगों को भी हमारे साथ मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड अगर आप हॉन्टेड प्लेसेज एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो देन डेफिनेटली चेकआउट माई डिटेल वीडियो ऑन शनिवार वाड़ा, जो कि मैं यहीं पर वीडियो में लिंक डाल दूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, बाय।